गुरु रूप सत्संग जी अज का यह पावन पवित्र वाक धार्मिक जगत की मूल समस्या ते समाधान उन्हों साडे सामने रखदा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश करन मैं इसनों खोल सकां। सादे शब्द ने, सरल भाषा है, पर इस विच जो प्रकरण है, मजमून है, जो कुछ मेरे पातशाह कह रहे ने, वो धर्म दी शिखर दी गल है, बुनियादी गल है, मूल गल है। पहले सतगुरु देव जी महाराज मंगलाचरण छोटे रूप दे इस शब्द नाल दर्ज कर दे ने, क्योंकि लड़ी वार जो शब्द चल रहे ने उस लड़ी तो जब कोई वखरा प्रकरण चल रहा है उसके ऊपर सतगुरु मंगलाचरण दर्ज कर दे। मंगलाचरण पूरे रूपे चाहता है, किधरे छोटे रूपे चाहता है। इस दे अंदर छोटे रूपे च धनासरी राग का यह शब्द और धनासरी राग को अठ ताला विच गायन करना, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वो जो वाहिद शक्ति है, एक है, वो एक ओंकार है, उत्पत्ति बालना नास हो रहे है, वो सत स्वरूप है, सारा ज्ञान उसे तो आउंदा है, गुरु है, स्वभाव करके प्रसाद है, बख्शिश है, रहीम है, करीम। हुण आप शब्द दियां पहलियां पंक्तियां सरवण करो, तुच्छ बुद्धि अनुसार सतगुर रहमत करन मैं फरेसदा थोड़े सामने खुलासा करा। अर्ज मैं कर चुके हां, ये धर्म दी शिखर दी गल है सादे लफ्जा विच, ये धर्म दी सब तो गहरी गल है बिल्कुल सरल भाषा विच, सादे लफ्जा विच बहुत गहरी गल और सब तो बुलंद गल। पंक्ति प्रथम आप सरवण करो। हां जी पढ़ो जी। परिपूर्ण परमात्मा ने जो एक महान शक्ति है, परम शक्ति है, उसने मनुख नूं भी बहुत सारिया शक्तियां दित्तियां हुई हैं। वेखण दी शक्ति, सुनन दी शक्ति, बोलन ते चखण दी शक्ति, स्पर्श करन दी शक्ति, समझण दी शक्ति, लेकिन एक प्रबल शक्ति दित्ती है चेते शक्ति, सिमरति, चेते शक्ति। कल का पढ़िया होया सबक अज विद्यार्थी नू याद नहीं, विकास नहीं कर सके, अगली क्लास विच जा नहीं सकता। कल का पढ़िया होया याद है ताई अगर सर हो सकता है, अगे वध सकता है। इस सिमरति ये चेते शक्ति ही परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी तरफों एक महान सौगात मनुख नूं प्रदान कीती है। इतनी प्रबल चेते शक्ति पशुआं कोल नहीं है,
पंछियों को नहीं है। मनुखता का सारा विकास ज्ञान विज्ञान उसारी तामेर सिमृति ते खड़ी है। चल एक उदाहरण दे रूप दे एक कारपेंटर एक बड़ाई दरखान बैलगड्डी बना रहे है। दिन ते कई लगते हैं पिछोकी सिमृति कल जो उसने बनाया है उसकी सिमृति नु अज अगे रख के फिर विकास कर दे फिर जोड़ दे। कल जो कुछ उसने बनाया है अज याद ही नहीं तो फिर की जोड़ेगा अगों की बनाएगा। मनुख है ये जो विकास करता है जिंदगी दे हर पहलू दे सिमृति करके चेते करके याद शक्ति करके। हुण मैं दूजा नुक्ता बयान करन लगा पूरी एकाग्रता नाल सरवण करना। सिमृति इस तरह है ऐ जिवें टेप रिकॉर्डर कोई बोल रहा है टेप होंदा जा रहा है रिकॉर्ड होंदा जा रहा है रिकॉर्ड होंदा जा रहा है। सिमृति साढ़े अंदर इस तरह है तो यह सिमृति किस तरह बनती है कुछ अखा ने वेख है तो वेख के बड़ा रस मिल गया सुकून मिल गया सुख मिल गया उसकी अंदर छाप पै जाती है तो याद का हिस्सा बन जाता है। कुछ वेखे है तो वेख के बड़ी चोट लग गई है या भय पैदा हो गया है तो याद का हिस्सा बन जाता है भुलेगी नहीं नहीं भुलेगी। भावें 20 साल पुरानी गल है ज्ञानी कल्याण सिंह नाल सन धमतरी रायपुर दे कोल बरसातां दे दिन टहलण वास्ते निकले जिंदगी विच मैं ते ज्ञानी कल्याण सिंह ने पहली दफा देखिया 40-50 सप्पां दा झुंड देख के दंग रह कदम रुक गए अगों सप्प ही सन गिनती ते पूरी नहीं कर सके अंदाजा है 40-50। ज्ञानी कल्याण सिंह भी कह लगे इस तरह का दृश्य मैं नहीं देखा एक सब दो सब ते 40-50 सब कट्ठे ही देखे और गजब की गल और साड़ी तरफ मूह करन फिर अगे वधन असी रुक गए क्योंकि जिस रस्ते ते जा रहे सी रस्ते च सारे हुण गलती हो गई 20 साल पुरानी पर सिमृति का अंग बन गई याद का अंग बन गई। जिवें शहरां दे 100 साल बंदोबस्त होंदे ने पुरानियां फाइलां दे ढेर लगे होंदे ने अंबा प्राचीन घटनावां प्राचीन काम जो कीते ने या इस तो इलावा होर जरूरी बंदोबस्त दे संबंध च जो लिखिया गया है वो फाइलां दे अंबार अक्सर स्टॉक दे चाहुंदे ने हर महकमे साडे अंदर सिमरतियां का स्टॉक है बहुत जिवें कदी कदाई किसे एक कद फाइल की लोड़ पै जाती है जिन्हों 50 साल तक खोलिया भी नहीं सी देखिया भी नहीं सी फिर वो फाइल लभनी पैंदी क्योंकि उसके मुताबिक अगों कम करना है। कदी कदाई कुछ इस तरह की बार घटना घटती है ध्यान अंतरमुखी आता है
30 साल पुरानी घटना याद आ जाती है, 40 साल पुरानी घटना याद आ जाती है। विज्ञान ऐसा कहता है मनुख वध तो वध जिहड़ी सिमरती है पहुंच सकता है 4 साल तक ही पहुंच सकता है। 50-60 साल का मनुख पिछोकड़ घटनावां नूं देखदा जावे 4 साल तो अगे नहीं जाएगी उसकी शक्ति। 4 साल तो अगां जो सिमरतियां का अंबार लग्या है पहले भी है पर अगे जांदी नहीं है। 4 साल तो पहले भी है, इस जन्म तो पहले भी है, उस जन्म तो पहले भी है। मनुख की चेते शक्ति सिमरते इंज कह लो कीता वेखिए और वेखिए और वेखिए तो सिमरति का हिस्सा बन जाता है, उसकी छाप मोर लग जाती है। कुछ वेखे है, वेखण नाल बिस्माद पैदा हो गया, डर पैदा हो गया, सहम पैदा हो गया, चोट लग गई है वेखण नाल, सिमरती का हिस्सा बन गई है, वो भी अंदर पई। कुछ सुनिया सी, सुन के बिस्माद तारी होया, बड़ी खुशी मिली, आनंद मिलिया, सिमृति का हिस्सा बन जाता है। कुछ सुनिया सी ते चोट बड़ी लग गई, वाई जहर तो भी कौड़ी, बिल्कुल फिक्के, बिल्कुल बेस्वादे, उस नाल भी आघात पहुंचता है और वो सिमृति का हिस्सा बन जाता है। अजोके साइंटिस्ट कहते पे ने नासका जो सूंघती है ये सिमरती की छाप सब तो प्रबल पैंदी है, इंज कहते हैं अजोके विज्ञान। अज का विज्ञान ऐसा कहता है कुछ सुगंध जिन्हों सूंघदिया बड़ा रस आ गया, नासका दे राहे बड़ा रस मिल गया, सिमरती का हिस्सा बन जाता है। और वो ये कहते ने बाकी इंद्रिया नालों इस इंद्रिय दे छाप ज्यादा पै जाता है, इंज कहते हैं। किस आधार से कहते ने वो तो उन्होंने खोज है पर कह लग पे, पर भयंकर कोई दुर्गंध लंघिया किसी पासों, बड़ी भयंकर दुर्गंध, नक से कपड़ा देन नो जी कीता है, वो भी सिमृति का हिस्सा बन जाता, याद का हिस्सा बन जाती है। और कदी कदाई जब ध्यान अंदर जाता है तो सुगंध दुर्गंध याद आती है, वो मिठे भाव और कड़ी हुई गाल याद आ जाती है, भावें 30 साल पहले किसी ने गाल कड़ी सी, भावें 30 साल पहले सुन के आनंद आया सी, याद आ जाता है। वो दृश्य जो वेख के बड़ा रस मिलिया या वह के बड़ा सहम पैदा हो गया, भावें भी 30 साल 40 साल पुराना, जद भी कदी ध्यान अंदर जाता है याद आ जाता है। उस पासे ध्यान उस स्मृति की तरफ जब ध्यान जाता है याद आ जाता। इसी तरह छूया है किसे बहुत कोमल, बड़ा ही कोमल, स्पर्शता खलड़ी का रस है, किसे मित्र नो गल नाल लाया है, पुत्र नो गल नाल लाया है, स्पर्शता सुख मिलिया रस मिलिया, वो भी सिमृति का हिस्सा बन जाता। पर किसे बलदे हुए अंगारे नो या गर्म चीज नो हाथ लाया एकदम हाथ जल गया, अचंचे छाले पै गए,
तो यह भी सिमरती का हिस्सा बन जाता, अंदर छाप बन जाती। जब भी कदी ध्यान उस कोने च जाता है जिमें हथ जलिया से याद आ जाता है, भावें 30 साल पहले जलिया, भावें 20 साल पहले जलिया। छोया बड़ा कोमल, छूया है, स्पर्श किया है, बड़ा रस मिले है, उदी भी छाप बन जाती है, स्मृति का हिस्सा बन जाता है। जब भी कदी ध्यान उस कोने च जाता है वो तो घटना याद आ जाती है। पर छोया है तो हाथ जल गए, हाथ जल गए। 3 साल पहले मैनू लू लग गई, बहुत गर्म, जून का महीना सी, राजस्थान दे प्यासे ते भुखे हिरन मरण लग पे सन, मोर भी मरण लग पे सन। 400-500 मोर 3 साल पहले कट्ठे ही मर गए। बारिशां होईयां ना 2-3 साल, ते पहाड़ां दते जिहड़े झरने सन, सरोवर सन, सुक गए। राजस्थान गवर्नमेंट चिंता च पई, इत्थे मोर सारे ही मर जाणगे। फिर जिन्हां धार्मिक संस्थावां ने ना वो अगे आईयां, टैंकरां दे राहीं पाणी यतनां दे नाल उपर पहुंचाणा शुरू कीता, पहाड़ दे कोलों लै जाके फिर मशकां दे च पा के पाणी उपर पहुंचाया। जिथे जिथे सरोवर सन, किधरे साधन सी बिजली दा ते मोटरां दे राहीं उपर पहुंचाया। क्योंकि हर धार्मिक संस्था अगे आई, ते 2-3 हिरन मरे किधरे सैर करदे आ, मैं भी देख लै, तो आपां रोज आ मेरा भतीजा मेशी जीप भर लैंदे सी घा दी, और इस तो इलावा होर जो हिरन खांदे ने जीप लद लैंदे सी उपर चले जांदे सी। जिथे तक जीप जा सकदी सी फिर समान चुक के उथे उथे खलेर दे सी, जिथे विचारे हिरन रिजक दी तलाश दे सी। एक दिन ये दृश्य मैं देखन लग पिया, मैं हुण तां ही जाना ये सारा खा लैणगे। दिखदे लू बड़ी चल रही सी, गर्मी बड़ी भयंकर हैगा सी, भावें शाम दा वक्त, बैठा मैं दरखत दे थले, घर आंदिया लू लग 15-20 दिन ते फिर मैं मंजे तो उठ ही नहीं सके, इलाज चलता रहा। पूजड़ी लगी लू भावें 3 साल पहले लगी, सिमरती का हिस्सा बन गया, अंग बन गया। जद भी कदी ध्यान उस कोने च जांदा है वो तो गर्म गर्म हवा जो मैनू लगती रही, वो तो दरख्त, वो तो हिरनां दा दृश्य याद आ जाता। उम्मीद है ये गल पूरी पकड़े च आप जी दी आ गई। हर एक दे अंदर इस तरह दियां सिमरतियां चलदियां। मूल रूप दे च हुण मैं इतना कह दिया, कुछ वेखिया सी, कुछ सुनिया सी, कुछ चखिया सी, कुछ सुंघिया सी, कुछ स्पर्श कीता सी, चोट बड़ी लग गई, सहम बड़ा पैदा, दुख बहुत मिलिया, वो सिमृति का हिस्सा बन जाता है। अभी पुरुष ते कहंदे ने करोड़ा जन्मा दियां सिमृतियां साडे अंदर पईयां रहिण, एक जन्म दियां ने, क्योंकि करोड़ा जन्मा दे च कदी दुख भोगदे रहे हां कदी सुख, कदी दिन दे च जीवदे रहे हां कदी रात दे च, कदी हसदे रहे हां कदी रोंदे, कदी दुखी कदी सुखी, इते नाल चलता है। जे जिंदा तो रात दे च भी जीना पेगा, दिन दे च भी जीना पेगा, जीवन चल रहा है तो दुखा च भी जीना पेगा, सुखा च भी जीना पेगा। दुख सुख दी अंदर छाप बन जाती है, स्मृति का हिस्सा बन जाता है।
इंज कह लो फाइलों का अंबार लगे पै करोड़ जन्म अंदर इतनी सिमरति पई है। कुछ सतपुरश कुछ महापुरश इन करोड़ जन्मां तक पिछे भी चले जाते हैं। चलो दो बोल मैं थोड़े सामने रख के फिर अगे चला। भाई साहब भाई नंद लाल जी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत वो कहते ने न बोध हेच निशान हाजे जमीनो आसमा के शौके यादे तो अवुर्द दर वजूद मरा। हे प्रभु हे परमात्मा इस शरीर दे इत्ते मैं नहीं सी। सिर्फ शरीर ही नहीं इस तरह का संसार भी नहीं सी। मैं ते उदों दा तेरी तलाश दे चा तेरी तलाश दे चा। हुण तुसी आखोगे तलाश ते सिर्फ मनुखी जन्म दे च हो सकती है। सुख पशु नूं भी चाहिदा है दुख पशु दी भी मंग नहीं है। दुख तो वह भी बजदा है। जीवन पशु नूं भी चाहिदा है मौत पशु नूं भी नहीं चाहिदी। मौत दे डर तो भी बजदा है। परमात्मा परम जीवन है ते परम सुख है। सुख दी मंग ही परमात्मा दी मंग जीवन दी चाहत ही परमात्मा दी चाहत। क्योंकि परमात्मा परम जीवन है सद जीवन है ते मनुख नूं जीवन चाहिदा। परमात्मा सुख है ते परम सुख है। इस हिसाब नाल नास्तिक फिर पशु भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज कर दिया। ऐसा कौन है जिन्हों सुख नहीं चाहिए। ऐसा कौन है जिन्हों जीवन नहीं चाहिए। भावे त्रिगति जीवन होवे किसे दा जीवना ते हो भी चाहता है जीवना ते सप भी चाहता है। वो भी देखता है अगर खतरा है तो मुंह मोड़ के बजता है। जीवना ते सूअर भी चाहता है जदों देखता है मैनू पकड़न लगे ना वह भी भजदा है। त्रिगत तो त्रिगत जोनी भी जीवना चाहती है। जीवन की लालसा ही परमात्मा की लालसा है। क्योंकि परमात्मा परम जीवन है परम जीवन है। सुख की चाहत ही परमात्मा की चाहत है। क्योंकि परमात्मा परम सुख है। पशुओं को भी भुल हो जाती है मनुख को भी भुल हो जाती है। जिथे जिथे वह सुख की कल्पना करता है उत्थे सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति ते हो जाती है। सुख नहीं मिलता ते जिथे सुख है तलाश नहीं करता खोज नहीं करता बैर नहीं करता। मैं फिर दोहरावा सुख की कल्पना जिना जिना नाल जोड़दा है जिना जिना नाल सुख की इच्छा जोड़दा है अगर वह मिल भी जाए तो लोड़ां दी पूर्ति ते हो जाती है। सुख नहीं मिलता। सुख जिथे है उत्थे तलाश नहीं है। जीवन दर जीवन चलता है। तो भाई नंद लाल यह कहते रहे ने हर जीवन दे च मैनू जीवन ते चाहिदा सुख ते चाहिदा। जो कुछ नंद लाल कह रहे ने एक सूफी भी कहता है उहदे कहने नाल यह भी स्पष्ट होया कि इस्लाम दे च भी कुछ ऐसे फकीर ने जो बार बार दे जन्म नूं मनदे ने। वो कहिंदे जो इन्हां दे च शमस तबरेज सब तो अग्रसर है सब तो अगे है। वो कहिंदे आदम न बोधो मन बोधम ऐ खुदावंत आला इस तरह दे मनुख तो नहीं बनाए सन पर मैं ते उदों भी सी। अजे मनुख का ढांचा तो इस तरह का नहीं बनाया से जिमें हुण मैं पर फिर भी मैं ते है सी। आदम ना बोधो मन बोधम हवा ना बोधो मन बोधम। हवा कहिंदे ने माया
के माया रूपी छल रूपी तो संसार भी नहीं बनाया से। माया दा अखरी अर्थ करोगे ते छल जो दिखाई देवे ते पकड़ दे चनावे, प्रभावित भी करे ते पकड़ दे चनावे। जिमें हवा नु मुट्ठी च बंद करना चाहिए ते हवा निकल जाए मुट्ठी दे चां। इस तरह संसार दी हर चीज नु असीं पकड़दे आं मुठ दे च निकल जांदी, मुट्ठी च रहिंदी। इहनूं कहिंदे ने माया, माई माया छल। तृण की अगन मेघ की छाया, गोविंद भजन बिन हड़का जल। इस वासे भगत कबीर जी ने ते कह दिता, ठीक है हे प्रभु, संसार दे ते बड़िया ठगियां चल दिया ने और बड़े ठग ने, पर तू सब तो वड्डा ठग है। इंज कह दिता है, हर ठग जग को ठगोरे लाई। गुरु ग्रंथ साहब जी की पंक्ति, हर ठग बड़ा वड्डा ठग है। तो ऐ माया बना के तो सानू छल ले ते परम सुख तो असी वांझे रहे, परम जीवन तो असी वांझे रहे। इन्ना बिखड़ा परचा तो पाया हल नहीं आ। इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे, किंचित प्रीत न उपजे जन को, जन कहां करे बिचारे। की करिए ऐसा तू परचा पाया हल नहीं आंदा, हल नहीं आंदा। और परचे ची बंदा उलझ के रह जांदा, संसार दे ची उलझ के रह जांदा, परिवार दे ची उलझ के रहिंदा, संसार दियां समस्यावां दे ची फस के रह जांदा। हर ठग जग को ठगोरे, ऐसा कबीर ने कह। इस्लाम इस नु कहंदे ने हवा, रब ने हवा खड़ा कीता है। बंदा इसे ची फस के रह जांदा। पर शमस तबरेज़ कहंदा है, हे खुदा मैं तेरे हवे तो भी पुराना। अज दा नहीं है, हवा न बूदो मन बूदम, ई कस न बूदो मन बूदम, मन आशके दे रीना। ये जो मैं अखां नाल देखदा ये कुछ भी नहीं सी। मैं हे प्रभु बड़ा पुराना प्रेमी आ तेरा, मन आशके दे रीना। मैं बहुत पुराना, बहुत लंबे समय तो तेरा आशका, तेरी तलाश दे। जीवन किस तरह का भी सी, दृश्य अदृश्य, जीवन जीवन चाहिदा सी, सदीवी जीवन चाहिदा सी, सदीवी जीवन परमात्मा है। परम सुख चाहिदा सी जो दुख दे च ना बदले, परम सुख परमात्मा है। परम खेड़ा चाहिदा सी जिहदे च मुरझाणा ना होवे, तो परम खेड़ा ते परमात्मा है। इंज कह लो, मंग ते हर एक दी, तलब ते हर एक दी परमात्मा है। पर एक भुलेखा पै जांदा है, जिथे जिथे परमात्मा की कल्पना करता है उथे नहीं है, उथो नहीं मिलता है परम सुख, उथो नहीं मिलता है परम जीवन। लभदा रहा है कहिंदे आबे हयात नो सिकंदर भी मरा ना।